इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए मुंबई पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम सिद्ध होगा था। हमारी मीटिंग पर से ध्यान हटवाने के लिए ऐसा पहले भी किया जा चुका है। जेल में बंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष से मिलने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। यहां अखिलेश यादव कांग्रेस के समर्थन को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बात पर अजय राय ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि घोसी उपचुनाव में विपक्ष की ही जीत होगी। निश्चित तौर से अमेठी को की जनता उनको पुकार रही है, बुला रही है, और जो वहाँ पे बोला स्मृति ईरानी ने कि 13 रुपया जैसे भी चल रहा घोसी में ना चुनाव, तभी बहुत झूठ ये सब बोलेंगे। वैसे ही अमेठी में चुनाव के समय कहा था स्मृति ईरानी ने कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपया किलो चीनी ले लो। ऐसे ही एक पत्रकार साथी ने, आप जैसे एक साथी ने, हमारे भाई ने उनसे सवाल किया, उसकी नौकरी ले ली उन्होंने। ये क्या है, ये किस तरीके का अत्याचार अन्याय? एक पत्रकार अपना जीवन चला रहा है, अपने परिवार को जीवन यापन कर रहा है और सही बात पूछ रहा है जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, इसी तरीके से सवाल किया, उसकी नौकरी खा गई। सर 2024 को लेकर किस तरीके से पार्टी मजबूती? निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि हमारा जिला अध्यक्ष शेर हमारे जेल के अंदर बंद है और सारे हमारे कार्यकर्ता डट के खड़े हैं। हम सब लोग 2024 में डंके की चोट पर 24वीं सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश नोएडा के सेक्टर 9 में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। इससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में कामयाब रही। आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। देखिए ये सेक्टर 9 में B1 के प्लॉट में पीछे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल्स के हार्डवेयर की शॉप थी। इसमें द्वितीय तल पे आग लगने की सूचना फायर सर्विस को मिली। तत्काल प्रभाव से हमारी गाड़ी जो है यहाँ रवाना की गई और 6 गाड़ियों की मदद से हमने आग को मात्र 20 से 25 मिनट पे काबू पा लिया है। केंद्रीय मंत्री कौशिक किशोर के घर पर हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने बताया कि रात को कुल 6 लोग थे, सभी ने शराब पी थी। इस बीच अंकित से हाथापाई हुई, उसी में विनय की शर्ट फट गई। अंकित ने फायर किया जो विनय के सिर में लगा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 मंडल में चल रहे अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों को एडमिशन किट बांटी। इस कार्यक्रम में वो बच्चे शामिल थे जिनके अभिभावकों की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी। सीएम ने सभी बच्चों से परिजनों के बारे में उनकी जानकारी ली।